हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इसका लाभ आप कैसे लें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हमारी चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो दोस्तों इस योजना में किसी व्यक्ति की दुर्घटना होने पर और दुर्घटना से हुई मृत्यु पर या फिर अपंग यानी कि विकलांग होने पर सरकार बहुत ही कम प्रीमियम में बीमा की सुविधा प्रदान करती है। ये योजना एक साल तक मान्य रहेगी और हर साल इसका नवीनीकरण कराना होगा। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु या फिर विकलांग होने पर 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी और दुर्घटना से अपंग होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। अगर प्राकृतिक तौर पर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको किसी तरह का बीमा नहीं मिलेगा। इसमें बीमा धारक को हर महीने 1 रुपये प्रीमियम भरना होगा यानी कि जमा कराने होंगे जिससे वो इस योजना का लाभ ले सके। यानी कि हर महीने सिर्फ 1 रुपये ही आपको प्रीमियम देना है। तो ये सबसे अच्छी योजना है दुर्घटना बीमा की, यानी कि इसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना से जुड़ने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों 18 से 70 साल तक के व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के 1 से ज़्यादा बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट है तो वो एक बचत खाते के द्वारा इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना भी अनिवार्य है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको इस योजना से जुड़ने के लिए चाहिए होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों हर साल सिर्फ 12 रुपये का प्रीमियम आपको जमा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों हर कोई एक साल में 12 रुपये जमा करा ही सकता है। दोस्तों अगर आप दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना में बीमा की सुविधा आपके परिवार को दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाता है। और अगर कोई किसी कारण से अचानक ही ये बीमा पॉलिसी ले लेता है तो उस व्यक्ति की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही सस्ती बीमा योजना है। यानी दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 महीने में सिर्फ 1 ही रुपया प्रीमियम आता है। तो ये सबसे सस्ती योजना है जो कि सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो आपको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए। तो अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या क्या फ़र्क है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक की होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपकी उम्र 18 साल से 70 साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इन दोनों में। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको हर साल 330 रुपये का प्रीमियम देना होता है यानी कि पैसे जमा करने होते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको सिर्फ 12 रुपये हर साल जमा कराने होंगे यानी कि 1 महीने में 1 रुपया। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है। यानी कि सिर्फ एक्सीडेंट होने पर और आपकी मृत्यु होने पर या आप विकलांग हो जाते हैं तो ही आपको इस योजना से पैसे मिलेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सिर्फ मृत्यु कवरेज दिया जाता है जो कि 2 लाख रुपये का होता है, जिसमें मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होने की वजह से विकलांग हो जाता है तो उसे भी रुपये बीमा के रूप में दिए जाते हैं। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये रकम दी जाती है। और अगर वो विकलांग हो जाता है तो 1 लाख रुपये बीमा के रूप में उसे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आप कैसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस योजना से आप ऑनलाइन आवेदन करके भी जुड़ सकते हैं और आप चाहे तो ऑफलाइन भी बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस भी बैंक से आवेदन करना है उस बैंक में जाए और वहाँ से इस योजना का फॉर्म ले ले और उसे भर के दे दे। दोस्तों इस योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आप जिस भी बैंक के द्वारा आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर आप ये फॉर्म देना चाहते हैं और वहां से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रहे, जिस बैंक से आप आवेदन कर रहे हैं उस बैंक में आपका खाता जरूर होना चाहिए। फिर फॉर्म में सारी जानकारी को आपको सही सही से भरना होता है और फॉर्म को बैंक में जमा करना होता है दोस्तों। और इसके लिए आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि यानी कि कुछ धन भी होना चाहिए अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो। दोस्तों अब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम कैसे करना होता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम करने का फॉर्म आप इस वेबसाइट से जो कि है प्रधानमंत्रीयोजना.in से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्लेम करने के लिए आपको पहले उस बैंक से संपर्क करना होगा जहाँ से आपने इस योजना के लिए बीमा करवाया था, और अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होता है वो इसके लिए क्लेम कर सकता है। इसे 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट देने होते हैं। दोस्तों अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको FIR की कॉपी भी देनी होगी, और अगर दुर्घटना में आप विकलांगता आई है तो आपको विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर पॉलिसी धारक की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसकी FIR की कॉपी, इसके साथ और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। इतना सब करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी और बैंक द्वारा आपके सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और 60 दिनों में आपके बैंक खाते में बीमा राशि जमा कर दी जाएगी, और बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी जो होता है उसके बैंक खाते में इस राशि को जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना आसान है इस योजना से क्लेम करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और WhatsApp ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इस योजना को शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।